तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग सोल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ। तो हमारे साथ फिर से आ गए हैं हमारे राजीव सर। राजीव सर, वेलकम टू यू। हेलो सर। तो आज जो है, आज अगर मैं राजीव सर की शॉप पे आ गया हूं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम यहां पे क्यों आए हैं। तो राजीव सर, इस वाला जो है आज नया स्टॉक आ गया है, राइट? जी, काफी कुछ आ गया है। चलिए चलिए, आप लोगों को पहले एक नज़र दिखा देते हैं, देखिए क्या क्या नए नए स्टॉक में आ गए हैं। देखते हैं और अनबॉक्स भी करेंगे, तो फिर हम आज भी बताने जाएंगे कि कुछ नए फीचर्स भी हमारे राजीव जी जो है ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है राजीव सर, तो चालू करते हैं जी दोस्तों। तो देखिए, तो राजीव सर आज बताइए मुझे, सबसे पहला इसमें सेट कौन सा आ गया है? परमाणु का सेट आया हुआ है अपने यहाँ। ओके ओके, देखिए परमाणु का नया सेट आया हुआ है। और बताइए राजीव सर, भोपाल का संपूर्ण महारावण। ओके ओके, तो जो महारावण वाला, तो हमें लगता है इसकी सीई भी बाद में आ जाएगी, राइट? बाद में आएगी। तो दोस्तों ये पेपर बैक आ गया है, और जैसा आप जानते हैं मैं सी और पेपर बैक दोनों का ही शौक रखता हूँ। तो फिर राजीव सर बिना किसी देरी के इसको जो है अनबॉक्स करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये तो आपके सामने ही मैं अनबॉक्स करना चालू कर रहा हूँ। बहुत सही। तो ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से पेशकश है। और अच्छा, सबसे पहले मैं इनकी नॉवल्टीज चेक कर लेता हूँ। ये मेरे हाथ में आ गई। जी सर, बहुत अच्छे इन्होंने पोस्ट कार्ड दिए हुए हैं। देखिए भूकाल, मतलब सीरियसली मैट लुक में बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखिए देखिए चू, और ये तो हमें लगता है ये तुरीन वगैरह है। थ्री, ये आगे फिर सलोनी, फोर एंड देन भोकाल, फाइव अतिक्रूर, सिक्स रूपसी, सेवन भोकाल एंड तुरीन, जो कि हम सभी की फेवरेट है, एंड नाइन भोकाल एंड रूपसी। तो आई थिंक इसमें टोटल नाइन कॉमिक्स हैं, है ना भैया? नाइन कॉमिक्स, नाइन कॉमिक्स का पूरा एक सेट आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी प्रिंटिंग जो है हर बार की तरह, बिना किसी डाउट के इन्होंने हर चीज़ मैट लुक में रखा है। एकदम ऐसा नहीं है कि जो है पूरा इन्होंने ग्लॉसी कर दिया हो। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, कपालिका एकदम ओल्ड वर्जन की टाइप से, सबसे पीछे महाकाल का आपका एड, सेकेंड ये देखिए महारावण, इसके पीछे देखिए सपेरा का एड, कलंका के पीछे ऐड है महारावण का, मृत्युजीत, ये सारे डाइजेस्ट हैं। जबकि देखिए मृत्युजीत, भोपाल एंड महारावण, महायुद्ध, महारावण ये, और इसका जो है डंकनी, एंड डंकनी के बाद जो है आपका फिर से पीछे महारावण का ऐड है, एंड दिव्यास, ये तो जो है जनरल टाइप से है जिसमें भोपाल परिरक्षक बन गया था। हाँ, चुड़ैल माँ, वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक, एंड देन कालकूट, जबरदस्त। तो दोस्तों देखिए, टोटल ये जो नाइन कॉमिक्स आई हैं, जो कि बड़ी खुशी के साथ लग रही हैं, और बड़ी अच्छी प्रिंट है। देखिए पीछे से भी देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो ये और इनके साथ जो आपके 10 बढ़िया सी नॉवल्टीज़ मिली हैं, तो वाकई में ये चीज़ तो अच्छी है। तो चलिए राजीव सर, ये तो मेरा हो ही गया। एंड सेकेंड सेट आपने कौन सा बताया था राजीव सर? ये परमाणु वाला। तो चलिए, तो इसको भी अनबॉक्स ही करते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारा जो है ओपन होता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं दिखाने से पहले इनकी आपको चार स्टिकर आएंगे। अच्छा, इनके साथ चार स्टिकर्स हैं राजू सर। देखिए इसमें जो है चार स्टिकर्स आए हुए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं परमाणु का एकदम थोड़े बिग साइज में स्टिकर्स हैं, है ना राजू भैया? जी। एंड यू कैन सी द सेकंड वन, थर्ड वन अगेन एंड फोर्थ। तो यहाँ से जो है अब हमारे परमाणु की भी सफर चालू हो चुकी है, है ना राजू भैया? जी। सो ये देखिए आग, ओ भाई साहब, देखने में ये मतलब जबरदस्त लग रही है। अंदर देखिए दोस्तों, एकदम सेम ओल्ड स्टोरी, मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ भी कलर के साथ छेड़छाड़ की हुई है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसके पीछे देखिए नागराज और क्या काबुकी का खजाना। हाँ, परमाणु, ये देखिए परमाणु, ये देखिए ग्रैंड मास्टर रोबो का ऐड, देखा है आप लोगों ने ग्रैंड मास्टर रोबो का ऐड? बहुत कम कॉमिक्स के पीछे आया था। एंड थर्ड वन इज ब्लैक आउट, वाओ, इसके पीछे चैंपियन किलर, एंड फोर्थ वन इज बुलेट प्रूफ, एंड नागराज और थोड़ांगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कॉमिक्स जो है ये देखने में ही लग रही है। तो राजीव भैया, ये भी इनको अलग आप रख दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी आप ये तो मैं रखवा रहा हूँ अलग से, क्योंकि इनको जो है दोबारा पैक नहीं कराना, इनको ले ही जाना है। तो दोस्तों जैसे अब आप लोग जानते हैं कि ट्रैप भी अब हमारे यहाँ अवेलेबल हो चुकी है संजय गुप्ता जी की मेहरबानी से।
और आप लोग देख सकते हैं इसको, चूंकि मैं अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूं तो इसको मैं खोलूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूं कि राजीव जी के यहां कोई भी चीज़ जो है अभी तक शॉर्ट नहीं हुई है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ मार्केट से ऑलरेडी आउट हो चुकी है तो प्लीज़ गाइज कॉन्टैक्ट हिम, सो यू कैन गेट ट्रैप हेयर एंड सेम कॉस्ट। सो ऐसा भी नहीं है कि हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, इवन दो नाग प्रलय यू कैन सी विद ऑल नॉवेल्टीज। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इवन दो आदिपव ये हार्ड बॉन्ड में है, हार्ड बॉन्ड में है विद ऑल नॉवेल्टीज। तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो है अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट में स्टॉक से अब आउट ऑफ हो चुकी हैं तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए चिंता मत करिए, आपको हर चीज़ जो है राजीव भैया के पास मिल जाएगी। अच्छा राजीव सर, आज हमारे पास कुछ और भी नया अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। हाँ यस, ओ भाई साहब वनक्षक आ गई है, चलिए उसको भी खोलते हैं। देखिए संजय जी की जो अब सीढ़ी आ रही हैं वो एकदम मुझे लगता है डिफरेंट है ना। चलिए ये इसके ऊपर, ये देखिए पॉलीथीन है इसलिए मैं इसको नहीं हटाऊंगा, हालांकि आप ये अभी मेरा वीडियो देख चुके हैं। ये आपका हार्ड बॉन्ड टाइप का एक शेल है स्लिप केस, तो इसके अंदर से ही निकलता है जैसा मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, हालांकि मैं वीडियो इसके साथ भी अटैच कर रहा हूँ। और ये देखिए इसके पीछे सारे स्टिकर्स वगैरह हैं, दिस इज़ वेरी ऑसम काइंड ऑफ सीई, मतलब आप इसको अगर एक बार अनपैक कर देंगे आई बिलीव यू कैन नॉट पैक इट एनी मोर। तो जैसा कि और अदर मनोज गुप्ता जी की सीई वगैरह हैं वो क्या है, वो तो पैकिंग आप जब तक कर सकते हो। तो ये तो देखिए दोस्तों ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, अगर जिनको लग रहा है कि वनक्षक भी मार्केट से जा चुकी है तो राजीव सर के पास है राजीव भैया जी। अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे जो है आखिरी रक्षक के भी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, अवेलेबल हो चुके हैं। सो अगर आप लोग की क्वेरीज हैं, एंड वन मोर गुड थिंग टू नो दैट अंगारा सी इज़ हेयर, तो इसको तो जो है अनबॉक्स करना बनता ही बनता है जी। तो ये ललित पाली जी को भी शुभकामनाएं और राजीव सर को भी शुभकामनाएं कि ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। और दोस्तों इसमें भी ये स्लिप केस है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है इसमें सीही आ रही है राइट। और इसके पीछे जो है आपको मिल रहा है पूरा एक मैग्नेट स्टिकर मिल रहा है, आप एज यू कैन गाइज कैन सी है ना मैग्नेट स्टिकर, जो कि बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये एकदम ज़बरदस्त सीही जो है मेरे हाथ में आ चुकी है, और ऑल यू कैन सी विद ऑल गुड कलर एंड एडिटिंग एवरी थिंग इज़ हेयर। तो आपके पास एकदम हार्ड बॉन्ड में जो है अंगारा का द्वितीय खंड का सीही अवेलेबल है। तो राजीव सर अब आप मुझे ये बताइए, आपका ये जो जैसे ऑनलाइन बिजनेस है ये सब इसे सब क्या कैसा क्या जा रहा है, इसमें कॉमिक्स वगैरह सब क्या आराम से जा रही हैं? नहीं अभी तो ऑनलाइन सेलर्स में अमेज़ॉन में भी जितनी भी कॉमिक्स बिक रही हैं अभी तक तो सही बिक रही थी। हाँ जी, बीच में कुछ कस्टमर से फेक ऑर्डर्स वगैरह भी हमको मिल रहे थे या बल्क ऑर्डर मिल रहे थे। अच्छा फेक एंड बल्क ऑर्डर्स? जी सर, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक्चुअली में जो होता है फेक ऑर्डर्स आ जाते हैं तो हमको शिप करना पड़ता है। ओके ओके, और इन बिटवीन वो पहुंचने से पहले ही या खोलने से पहले ही उसको कैंसिल कर देते हैं, तो जिससे हमारा स्टॉक ब्लॉक हो जाता है और जो बुक्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं मतलब सेम कॉमिक्स का मैं जेन्युइन बायर है उनको बुक्स नहीं मिल पाती, उनको बुक्स नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बुक्स लेने से पहले एक बार आराम से चेक कर लीजिए, फिर उसको कार्ट में डालिए, तब परचेज करिए, कोई जल्दी नहीं है। जैसे भी आप खरीदिए बुक आप तक पहुँचेगी जरूर। चलिए ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई दोस्तों। देखिए आप लोग जानते हैं कि वैसे भी कॉमिक्स जो है यहाँ से जो है गायब होती जा रही हैं, बड़ी हार्डली जो है ये सब चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भी फेक ऑर्डर्स लगाते हैं और बाद में जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो ये कॉमिक्स जो है आपके ऑलरेडी 10 से 15 दिन के लिए ब्लॉक हो जाती है राइट सर। तो ये इससे जो है देखिए एक तो एक मॉनिटरी प्रॉब्लम आती है, सो तो आती आती है, प्लस आपकी कॉमिक्स भी इतने दिनों तक जो पड़ी रहती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके ओके गाइस गाइस देखिए ये है हमारे दोस्त एक और कमलेन जी, तो आप भी कॉमिक्स लेने हैं भैया? ओफो तो चलिए कमलेन जी जरा बस मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें अगर आप लोगों से यहाँ से हट रही हैं और अगर आप लोग इस टाइप के फेक ऑर्डर्स लगा रहे हैं तो ना लगाइए। तो राजीव सर मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग भी इस चीज़ पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे जी सर। अब हम लोग भी जो है अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे जैसा लोग वेबसाइट से खरीदते हैं, वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। हाँ जी, तो आप लोग को वहाँ से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि अगर ये सब चीज़ें ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं देन यू गाइज कैन डायरेक्टली कम टू हिम, एज वी नो दैट वन मोर कमलेन भैया जी आ चुके हैं। कमलेन भाई साहब तो आज क्या क्या कॉमिक्स आप लेने जा रहे हैं? मेरे को लगभग सारी सीरीज लेनी है, जैसे ड्रैकुला भी हो गई। अच्छा बात हुई थी ना आपसे? अच्छा अच्छा भाई सारी, अरे बहुत सही। तो मतलब आज देखिए सारी जो है वो हम लोग थोड़ा सा और भी बिजी होने जा रहे हैं, तो इवन दो हम आपको ये जो है ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियोस दिखा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों तो जल्दी से हम लोग इस पर भी कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे, और जैसा आप लोग देख चुके हैं कि आदि पर्व एंड अंगारा ऑल अदर सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल।
हाँ एंड ऑल्सो मनोज की जो सबसे पहले पार्ट वन वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू वाली जो हवलदार बहादुर के थे, ये दो सीरीज भी हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की है, बस ऑर्डर करिए, फ़ोन घुमाइए, व्हाट्सअप करिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, तो भाइयों आप लोगों को जो है आज मैं यहीं से अलविदा कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग सोल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ। तो दोस्तों आज जो है फिर से एक नई अनबॉक्सिंग आ गई है मेरे सामने, जो कि कॉमिक अड्डा की तरफ से रिसीव हुई है। और देखिए जैसे कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, 0.5 किलो का इसका वज़न है। तो दोस्तों मुझे पता है इसके अंदर क्या आया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के को थोड़ा सा सरप्राइज रखते हुए जो है मैं अपना ये इसको अनबॉक्स करना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों अगर इनको हटाऊंगा, देखिए ये आपका आया एक थर्मोकोल का पीस, इधर से भी मैं करूंगा तो ये भी आ गया आपका थर्मोकोल का पीस। तो सबसे पहले अगर आपके पास आ रही है तो वो आ रही है चाचा चौधरी का रहस्य। देखिए दोस्तों ये है चाचा चौधरी का रहस्य, कॉमिक्स का रेट है 500 रुपये। और ये मैं जो है अभी शायद मेरे पास एक और है, तो ये आपकी जो है फ्री गिव अवे में चली जाएगी। दोस्तों आप जैसा आपको पता है कि गिव अवे चल रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चाचा चौधरी और साउथ ब्लॉक पर हमला, ये दिस इज़ द सेकेंड कॉमिक्स। इन कॉमिक्स का मुझे वेट भी नहीं था, क्योंकि अब तो ये मेरे पास जो है ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं। तो अब अगर मुझे इनका वेट नहीं था तो मुझे वेट किस चीज़ का था, मुझे वेट जिस चीज़ का था वो मेरे हाथ में है दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने पहचाना। लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं ये वन अक्षक मेरे हाथ पे आ गई है, लोग बोल रहे थे कि ये जो है क्या कहते हैं मार्केट से गायब हो रही है, शॉर्ट हो गई है, बाल चरित्र भी जो सी आने वाली है वो भी शॉर्ट हो जाएगी, तो उसने जल्दी बुक कर लो। दोस्तों शॉर्ट कुछ नहीं हो रहा है। अब ये अली कहानी आप सुनिए, किसान जो होता है अपने यहाँ आलू उगाता है, तो आलू बहुत सारे उग जाते हैं, तो एक साथ तो बिक तो जाते नहीं है, तो क्या होता है बहुत सारे जो उसके खरीदार होते हैं वो उसे आलू खरीद खरीद के कोल्ड स्टोरेज में भर लेते हैं। जब कोल्ड स्टोरेज में भर जाते हैं तो उसके खेत पे आलू तो मिलेगा नहीं, तो बस वही कहानी जो है यहाँ पे भी हो गई है। यहाँ पे अभी भी हम जानते हैं जैसे कि लोग जो है चीज़ों को 5-5, 10-10 सीई करके बुक कर लेते हैं। जब वो लोग 10-10 सीई करके बुक कर लेंगे तो हम जैसे जो एक एक एडिशन रखते हैं तो कहाँ मिलेगा, और फिर वही चीज़ जो है हम लोग हाथ फैला फैला के खरीदेंगे, बोलेंगे कि सर वो सीरी आपके पास अवेलेबल है, तो वो बोले वो भी बिना नॉवल्टी के, हाँ जी कितने का, 5,000 का देंगे। तो ये कहानी है, हो सकता है आप लोगों को समझ में आई हो, ना आई हो तो ज़्यादा ठीक है, आ गई हो तो भी ठीक है। मतलब सप्लाई और डिमांड का ग्राफ कैसे बन रहा है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए नॉवल्टीज भी साथ में हमारे आ गई है, और ये आपकी बहुत खूबसूरत सी, मैं सच कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत सी, कितना प्यारा इसका मतलब एकदम, ये स्लिप केस कवर कितना बढ़िया है। अब चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, और ये आ गए दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, ये दिस इज़ द वे टू मेक सी, ये बहुत अच्छी सी है, इसका स्लिप केस भी बहुत अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ से खुल भी रही है, ये वन अच्छा है, इसको खुलते हुए मुझे समझ में भी आ रहा है कि इसका गोंद जो है सूखा नहीं है, थोड़ी सी गीली नहीं ऐसा कुछ नहीं, सही लग रही है। और ये देखिए आपका जो है चालू हो गया है, बहुत से लोगों ने मुझसे बहस भी लगाई कि क्या कहते हैं ये तो आपकी अमर प्रेम, हाँ थी ये अमर प्रेम श्रृंखला जो चल रही थी उसी के आगे का ही वर्णन है। देखिए यहाँ पे अमर प्रेम का भी एक इन्होंने लोगो दिया है, लेकिन ये जो है अपने आप में एक उद्गम श्रृंखला है, और इन्होंने जो है इसको खुद बोला हुआ है कि क्या कहते हैं ये चीज़ है। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छी मेरे पास एक वर्णचक की सी आ गई है, जो कि आपके स्लिप केस के साथ आई है। और अगर चारों तरफ से आप देखें तो देखिए पीछे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत अच्छी सी ही है। तो दोस्तों देखिए अब मुझे नहीं पता
सुशांत पंडा जी द्वारा बनाया गया है कि अच्छा, ये पीछे के जितने सारे कवर अवर वगैरह हैं, ये देखिए मुख्य पृष्ठ इनके है ना। हालांकि इनके पेपर बैग भी मेरे पास नहीं है, देखिए कितना तो बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं, ये आदिल खान जी द्वारा बनाया गया है। ये देखिए वाह, ये देखिए ये धीरज वर्मा द्वारा बनाया गया आपका बाबा पूजो, इट्स रियली नाइस, सीरियसली यार, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए धीरज वर्मा सर की भी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, इनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा, इन्हीं की वजह से जो है इतना अच्छा हम लोगों को मिला हुआ है। तो दोस्तों इसमें देखिए काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा भी हुआ है इतने पन्नों में, कभी वन पत्र जो है लिखा हुआ है, टाइम मिलेगा तो मैं इसको देखूँगा, पढ़ूँगा भी और आपको बताऊँगा भी। हालाँकि कॉमिक्स तो बहुत अच्छी है और लोगों को समझ में आती है नहीं आती है, इसका मेरे पास कोई वो नहीं। सो फाइनली आई एम हैविंग वन अच्छक। तो दोस्तों अब चलिए इसकी देखते हैं नॉवल्टीज़ में मुझे क्या क्या मिल रहा है। नॉवल्टीज़ अगर हम लोग इसकी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर इसको हम खोलेंगे, खोल दिया है, तो हर बार की तरह मुझे इस बार दो मैग्नेट मिले हैं, जिसमें पहला भेड़िया का ये वाला मैग्नेट है, चमक रहा होगा दोस्तों, तो मैं इसको खोल कर ही दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, अब आप लोग बताइए कैसा लगा, अच्छा है ना। दूसरा मैग्नेट तो जो है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाला मिला है, वाला नहीं मिला जिसमें लकड़ी के पीछे कुछ लगे रहते हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी वाला ही मैग्नेट है भाई। अब आप कह रहे हैं यार तुमने भी अजीब गड़बड़ बजा रखी, प्रीमियम क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी। ये देखिए आई थिंक ये आप लोगों को चमक तो नहीं रहा है, अब देखिए अच्छा लग रहा है ना। ये हो गया, साथ में एक ट्रेडिंग कार्ड मिला हुआ है मुझे भेड़िया का, और भेड़िया का एक स्टिकर भी मिला हुआ है, एंड एक जो है कलरिंग बुक भी मिली हुई है भेड़िया की। सो काफ़ी कुछ मुझे चीज़ें मिल गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग, अब कोशिश करते हैं जल्दी सारी अनबॉक्स आए, और मेरा सभी कॉमिक्स प्रेमियों से निवेदन है कि अगर आज ये कॉमिक्स प्रेमी हैं तो इसकी वजह से ये सारे प्रोडक्शन हाउस चल रहे हैं। अगर इन प्रेमियों ने ये कॉमिक्स पढ़नी बंद कर दी तो क्या प्रोडक्शन हाउस और कहाँ के बिचौली है। तो दोस्तों फ़ायदा तब तक उठाइएगा जब तक आपको जो है फ़ायदा मिले, अगर जिस दिन आपको फ़ायदा मिलना बंद हो जाए ना तो समझ जाइएगा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो ये मेरा, जिनको बुरा लगे तो उनको बुरा भी लगना चाहिए और जिनको नहीं लगना चाहिए उनको नहीं लगना चाहिए। तो चलिए बिना कुछ कहे फिर से बहुत कुछ कह दिया है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।